हेलो फ्यूचर ऑफिसर्स, माय नेम इज रोहित गर्चा एंड दिस इज अभिमन्यु आईएएस, अ प्लेटफॉर्म विच हैज मोर देन 25 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस एंड हैज गिवन आउट मोर देन 2200 पॉजिटिव रिजल्ट्स सिंस 1999. एवरी सीरियस एस्पायरेंट नोज कि अगर आपके करंट अफेयर सॉर्टेड हैं, दैट मीन्स यू आर प्रैक्टिकली एंश्योरिंग योर सिलेक्शन इन एनी सिविल सर्विस फॉर दैट मैटर. नाउ दिस वीडियो इज पार्ट वन ऑफ द सीरीज जहां पे आपको पिछले वीक के करंट अफेयर्स का एक लेक्चर प्रोवाइड किया जाएगा. पार्ट वन है ये. कल एक और वीडियो रिलीज होगी जिसमें प्रीवियस वीक के हॉट टॉपिक्स जो हैं उसका एक लेक्चर जो है आपके सामने यहां पे रिलीज किया जाएगा. सब्सक्राइब दिस चैनल, बेल आइकन दबाइए ताकि आप कोई भी अपडेट उसमें जो है मिस ना करें. लिंक के अंदर जब जाएंगे वहां पे आपको उस डॉक्यूमेंट का लिंक मिल जाएगा, साथ ही कंप्लीट कोर्स का भी लिंक मिल जाएगा जिससे कि आपके करंट अफेयर्स पूरी तरह सॉर्टेड हो जाएंगे. वॉच टिल एंड ऑफ द वीडियो. लास्ट में जाते जाते मैं आपको उस कोर्स के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन दूंगा. फॉर नाउ टेक द प्रिंटआउट्स, सिट विद द पेन एंड द अटेंटिव माइंड्स, लेट्स बिगिन. आइए बच्चे आगे चलते हैं. ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम एंड इको मार्क स्कीम. नाम से समझ में आ रहा होगा थोड़ा बहुत. ग्रीन क्रेडिट, राइट? इट्स स्लाइटली डिफरेंट फ्रॉम कार्बन क्रेडिट, राइट? ग्रीन क्रेडिट उससे थोड़ा सा ज्यादा सब्जेक्टिव रहेगा. और हमारे पास एक अलग से स्कीम ऑलरेडी चल रही है विच इज कॉल्ड कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम, है ना, जो आई थिंक फेब या मार्च में लॉन्च हुई थी अभी रिसेंटली, उससे डिफरेंट है ये. आइए बच्चे देखते हैं इसको. दो इनिशिएटिव्स आए हैं बच्चे. सबसे पहले तो मिनिस्ट्री को अंडरलाइन कर लेना आप, दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, राइट? सिंपल एज दैट. एग्जैक्ट डिटेल्स नहीं आई हैं इसकी, ठीक है? मतलब ये कैसे इंप्लीमेंट होगा, माइक्रो डिटेल्स गाइडलाइंस वो नहीं आया अभी. ऊपर ऊपर से आया कि ऐसा कुछ होने वाला है, लॉन्च कर दिया टाइप्स. जैसे गाड़ियां लॉन्च हो जाती है ना, कि महिंद्रा ने फलानी फलानी गाड़ी लॉन्च कर दी, वो एग्जैक्टली उसके अंदर फीचर्स क्या होंगे, सड़कों पे कब आएगी, क्या उसका एग्जैक्ट प्राइस रहेगा, वो नहीं आपको पता होता. सो टेक्निकली इट्स अ लॉन्च, राइट? तो वैसा सा मतलब है इसका. तो अगर किसी के मन में वो सवाल उठा होगा कि ये इम्प्लीमेंट कैसे होगा, तो आपको सरकार में जाना पड़ेगा उसके लिए. अभी उन्होंने आउट नहीं किया है इसको, ठीक है बच्चे? आइए. इट्स अ मैकेनिज्म डिवाइस, फर्स्ट पॉइंट देखिए बच्चे, devised to incentivize voluntary environmental actions. क्यों कर रहे हैं incentivize voluntary ये environmental actions को? अगर मान लो मैं अभी आपके जो सबसे अच्छे आंसर हैं जो उनको मैं 10-10 रुपये देना शुरू कर दूं, आई इंसेंटिवाइज, तो मैं क्यों करूंगा वो? एनकरेज करने के लिए. ना ना, आंसर कम ही आए, अच्छे आए. हाँ, समझ रहे हो? तो अगर ये वॉलेंट्री एक्शंस को इंसेंटिवाइज कर रहे हैं, तो ये इसकी किस तरफ का हिंट लग रहा है आपको? आने वाले 10 साल में क्या होगा, सोचो. जो पता है तुम्हें क्यों करते हैं हम ही ऐसा, डोंट यू थिंक कि ये इसकी ये लीगलाइज कुछ लीगल फॉर्म ले लेगा थोड़े समय बाद, एंड उससे भी थोड़े समय बाद ये पीनलाइज करना शुरू कर देगा उनको जो कि इसको नहीं फॉलो करेंगे. सो दिस इज ऑलवेज द फर्स्ट स्टेप, कि जहां तुम वॉलंटेरिली चाहते हो कि यार बंदा खुद ही प्यार से बात मान जाए, ना ही डंडा उठाना पड़े तो ठीक है, है ना? क्योंकि डंडा उठाने में नेगेटिव कैरी है सरकार का, पैसे देने पड़ते हैं एनफोर्सर्स को, राइट? आइए बच्चे. Voluntary environment action, environmental actions across diverse sections by various stakeholders, कौन कौन से? Like individuals, communities, private sector industries and companies, almost सारे, right? तो ये सबको incentivize करने की बात कर रहे हैं. बच्चे यहाँ पे लिखा हुआ है यहाँ पे कि कौन इसको implement कौन करेगा, head कौन करेगा, उसको mark कर लीजिए please आप.
ICFRE, ये सवाल आ सकता है पेपर में कि ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम, क्योंकि आपको ना NGT राइट, आपको मिनिस्ट्री और इन सब के नाम से कंफ्यूज किया जा सकता है, तो ये आपको स्पेसिफिकली याद ही रखना पड़ेगा। यहां पे ना आप इसके साइड पे एक लाइन लिख लीजिए बच्चे, GCP ऑपरेट्स इंडिपेंडेंटली, GCP ऑपरेट्स इंडिपेंडेंटली ऑफ द कार्बन क्रेडिट्स प्रोवाइडेड अंडर कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम 2023। मतलब जो कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम है, इसको आप डिटेल में पढ़ लेना, है ना, कि क्या है इसके अंदर। इसके अंदर आपका ये जो कार्बन क्रेडिट है वो डिफाइंड है, किसने, कौन से प्रोटोकॉल के थ्रू डिफाइंड है कार्बन क्रेडिट्स, पढ़ा हुआ है आपने बच्चे? वो आपका एनवायरनमेंट हो गया क्या? एनवायरनमेंट मॉड्यूल हो चुका है, हाँ, तो पढ़ा हुआ है आपने, फिर 100% पढ़ा हुआ है। क्योटो प्रोटोकॉल, परफेक्ट। ईयर बता दोगे तो मजा ही आ जाएगा। क्योटो प्रोटोकॉल का ईयर बता दोगे तो मजा आ जाएगा। प्रेशर नहीं लेना, आराम से, याद है तुम्हें, रिकॉल नहीं कर पा रहे, ये तुम्हारे घूम रहे हैं यहाँ पे दिमाग में। क्योटो प्रोटोकॉल का ईयर कौन सा है, एंड विच वॉज द फर्स्ट लीगली बाइंडिंग टारगेट, जब किस प्रोटोकॉल में डिसाइड हुए थे पहली बार लीगली बाइंडिंग टारगेट्स, जब डिसाइड हुए थे, विच प्रोटोकॉल वॉज दैट? हिंट, ये वही है जिसकी हम बात कर रहे हैं, जिसका तुम्हें ईयर नहीं पता। हाँ, क्योटो प्रोटोकॉल में पहली बार ऐसा हुआ था। ईयर ईयर बता दो ना यार। 97 में। और ये लागू कब हुए थे? When did it enter into force? हाँ, 2005। ठीक है बच्चे, चलो कोई बात नहीं, ये जरूरी होता है बीच बीच में तुम्हें धक्के मारना, ये किसी को भी नहीं याद रहते। इट्स ओके, इट्स एक्चुअली ओके। हाँ, आप ये रिवाइज करने पड़ेंगे आपको कम से कम, मतलब आप जैसे बार बार रजिस्टर पढ़ते हो ना, तो आफ्टर फाइनली रिवाइजिंग, उसके बाद में 3 रिवीजन और लगती हैं। जब बोलते हैं ना कि अब मेरा सब्जेक्ट डन हो गया, तो आई पर्सनली फील कि उसके बाद में 3 रिवीजन, मेरी भी मेमोरी कम है, मेरे को भी नहीं चीज़ें याद रहती, कॉन्सेप्ट्स याद रहते हैं, दैट्स व्हाई आई एम अ टीचर। मैं पढ़ा अच्छा सकता हूँ, लेकिन पेपर में मेरे को याद नहीं रहता है कि क्या कैसे था, तो आप थोड़ा सा ध्यान रखें इस चीज़ का, ट्रिक्स वगैरह अपना लीजिए। तभी मैं आपको शायद काफ़ी टाइम से बोलता आ रहा हूँ, निमोनिक्स बना लो, वहीं के वहीं लिख लो, जितना घटिया उतना बढ़िया, ठीक है। सबका साथ सबका विकास, उसमें एक मेरा भी स्लोगन है यहाँ पे आप लोगों के लिए, जितना घटिया उतना बढ़िया। सच में ट्राई करके देखो एक बार, जैसे वो है ना कि ग्रासलैंड है, पुस्ताज ग्रासलैंड कहाँ है, इट्स इन हंगरी, है ना, तो पास्ता एंड हंगरी, तो इससे आप कुछ इस टाइप की चीज़ें बोल रहा हूँ मैं, राइट, टेढ़ी मेढ़ी चीज़ों से आप याद रख लो, वहाँ पे आप नहीं बैठ के रिकॉल कर पाओगे, टेक माय वर्ड। अगर आप वहाँ बैठे हो, प्रेशर है, राइट, अभी तो बैठे बैठे आप थोड़ा सा दिमाग में वो रजिस्टर पहुँच जाते हैं ना पेज तक, कि ऐसे ऐसे लिखा हुआ है, और वहाँ पे भी आप जस्ट अभी फोकस करके आपने देखा होगा, तो आपको याद आएगा कि आपको एनसर्कल जहाँ किया हुआ है वो याद आता है, आपको स्टार मार्क याद आता है, लेकिन बीच में क्या लिखा है वो नहीं याद आता, क्योंकि आपने कॉन्शियसली रजिस्टर किया ही नहीं है, कैसे आएगा? इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि कोई डायग्राम बना दो वहाँ पे, या कुछ टेढ़ी मेढ़ी सी बात लिख दो, कि आप जितनी बार जाओ आपको उतनी बार हंसी आए देख के, कि यार इतना नीच हूँ मैं, है ना, उतना बढ़िया रहेगा। आई टोल्ड यू मेनी टाइम्स ना, कि अब जो IRS लगे हुए हैं उनके नोट्स नहीं पढ़ सकते तुम लोग, मेरे को तो निकाल देंगे अगर मैंने वो नोट्स किसी को दिखा भी दिए कि इस तरीके से बनाए हुए हैं लोगों ने, राइट, तो कुछ भी लिखा हुआ है उसके अंदर, कुछ भी, वो तो देर वॉज दिस सेट ऑफ नोट्स जिसके अंदर ना
क्लास के ही बच्चों के नाम से उसने स्टोरी बना दी. दैट वॉज मी. क्लास के ही बच्चे थे और उनके नाम से मैंने ऐसे स्टोरी बना दी. कुछ कुछ विलन है, कुछ कुछ हीरो हैं उसके अंदर, राइट. सो अब ये तो मेरे लिए थे, मैंने अपने फ्रेंड को दे दिए. तो उसके बाद में वो ऐसा सर्कुलेट हुआ क्लास में कि सारे विलन्स के पास भी पहुंची, राइट. तो मतलब कहने की बात की उससे याद रहती हैं चीज़ें. निमोनिक्स समझते ना, निमोनिक्स इसे बोलते हैं. अगर नहीं पता तो आप सर्च कर सकते हो गूगल बाद में. निमोनिक्स स्टार्ट विद एम. किसने बोला पी? गलती से हो गया ना. निमोनिक्स एम से होता है बच्चे, वो निमोनिया होता है. तुम तो सर्च भी गलत करोगे इस हिसाब से. मोस्टली चीजों के अवेलेबल हैं निमोनिक्स. जैसे फॉर एग्जांपल, कुछ सबके आपको बनाने की जरूरत नहीं है. कितनी कंट्रीज रेड सी के अराउंड है, मेडिटेरेनियन के अराउंड है, इंडियन ओशन रिम पे कितनी कंट्रीज हैं, सबके निमोनिक्स अवेलेबल हैं. इंडिया की रिवर्स, उनकी ट्रिब्यूटरीज, सब कुछ. बस सही जगह सर्च करने की देर है, राइट. उनके निमोनिक्स हैं. बाकी चीज़ों के आपको बनाने पड़ेंगे. प्रोटोकॉल्स हो गया, राइट. पोर्ट्स हो गए, लेक्स होगी, है ना, इन सब के. और एक बार का काम है ये. माइंस होगी इंडिया में, कि इंडिया में कोल माइंस कितनी है, बॉक्साइट की, आयरन ओर की, ये सारी माइंस कितनी है, इन सब के भी आप निमोनिक बना सकते हो. मिनरल्स कहाँ कहाँ पे हैं, तो ये बेसिक चीज़ें. आइए बच्चे वापस आते हैं डॉक्यूमेंट में. इसका एडमिनिस्ट्रेटर देख लीजिए, आपने देख लिया है ना. इन इट्स इनिशियल फेज यहाँ पे लिखा हुआ है, द जीसीपी फोकस इज ऑन टू एक्टिविटीज, दैट इज ट्री प्लांटेशन एंड वाटर मैनेजमेंट, राइट. वाटर कंजर्वेशन एंड एफॉरेस्ट्रेशन, ये दो चीजें. इसके अलावा जो बाकी एरियाज हैं वो बच्चे वो साइड पे लिख लीजिए आप. ये वो एरियाज हैं जिनका आपको मतलब क्लियर कट तरीके से पता होना चाहिए कि क्यों कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं इंडिया में. लिखिए बच्चे. सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, एक बार ही दिमाग में सोच के रखिए कि अगर ऐसा कोई क्रेडिट प्रोग्राम होगा तो वो किस किस चीज़ों को फोकस करेगा. लेट सी कितने कॉमन निकल रहे हैं. सेल्फ टेस्टिंग हो रही है आपकी. सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, और कुछ सोच पा रहे हो? हाउ एवर इट इज मिसिंग. और सही सोचा वैसे. पर सही सोच रहे हो आप. अगर करना चाहिए इंसेंटिवाइज तो इन सब चीज़ों को भी करना चाहिए. बट इनकी ना सब्सिडीज अलग से चलती है. एनर्जी ट्रांजिशन ना एक अलग ही पैरामीटर है जो पहले से चलता आ रहा है. उसके लिए अलग से हमने काफ़ी कुछ इस्टेब्लिश कर रखा है, राइट. लिख लीजिए, छोड़ो ये वाली एक्टिविटी रिडंडेंट है. वेस्ट मैनेजमेंट, जो कि आपके एनवायरमेंट पोल्यूशन को टैकल करेगा. एयर पोल्यूशन रिडक्शन, हालांकि आपके वेस्ट मैनेजमेंट और ट्री प्लांटेशन में सब्स्यूम हो जाता है, बट इसके सेपरेट क्रेडिट्स होंगे. अभी इनिशियली दो चीजों के मिलेंगे. लास्ट इज ये हमने पढ़ा हुआ है, मैंग्रोव कंजर्वेशन एंड रेस्टोरेशन. सिर्फ कंजर्व नहीं करना है, रिस्टोर भी करना है. इसके लिए बच्चे ग्रीन मतलब क्रेडिट रजिस्ट्री और ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म भी बनाने का प्लान है, पर अभी क्योंकि वो लॉन्च नहीं हुआ है तो डेफिनेटली कोई नाम भी होगा उसका, तो हम नाम के साथ ही पढ़ेंगे. और उसको मैं बहुत छोटा सा करके डॉक्यूमेंट में डाल दूंगा, उसको यहीं पे लिख लेना या तो, है ना, या रिलेट कर लेना अपने आप से जब भी वो आएगा. आए प्रे कि आपके उससे पहले ना आए, प्री से पहले. इसको इतना ही रहने देते हैं, राइट. आई यूज द टर्म कार्बन क्रेडिट. आर यू अवेयर अबाउट द टर्म कार्बन क्रेडिट? लाइन लिख लें उसके ऊपर एक. उसमें भी एक बड़ी प्यारी सी चीज छुपी हुई है. आइए, शायद आपको नहीं पता होगी. अ कार्बन क्रेडिट, ऐसे नोट डाल के लिख लीजिए. अ कार्बन क्रेडिट इज अ यूनिट ऑफ एक्सचेंज
used to offset greenhouse gas emissions. One carbon credit is equivalent to 1 metric ton. One carbon credit is equivalent to 1 metric ton METRIC of carbon dioxide or equivalent greenhouse gases. One carbon credit is equivalent to 1 metric ton of carbon dioxide and equivalent greenhouse gases removed from the atmosphere. तभी मिलेगा क्रेडिट आपको. तो अगर मान लो ये क्यों हम इसको बोल रहे हैं यूनिट ऑफ एक्सचेंज, तो इसके अलग अलग मैकेनिज्म्स हैं, है ना. ये भी आपने शायद पढ़ रखे होंगे कि आपका अगर मान लो किसी इंडस्ट्री का हमने कोटा फिक्स कर दिया कि आप इतनी ही कार्बन क्रेडिट्स का इस्तेमाल, इतनी ही कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर सकते हो इक्विवेलेंट टू इतना, राइट. तो अगर कोई दूसरी कंपनी बचा रही है कार्बन क्रेडिट तो हाँ उसको वो डील कर सकते हैं उसके साथ में कि हमारे पास बचे हुए हैं आप कर लो. तो उस टाइप का कुछ आइडिया है ये, राइट. कि अगर आप डील करना चाहो कि आपने क्यों ऐसी डील्स आ रही हैं, इज बिकॉज कि हम नेट कार्बन न्यूट्रल बनना चाह रहे हैं. बाय द वे जो हमने पोर्ट्स की बात करी है, इसका भी एक एजेंडा ये है, कार्बन न्यूट्रल पोर्ट्स, राइट. तो एज अ कंट्री का जो हमारा टारगेट है उनमें ये चीज़ें हेल्प करती हैं, राइट. तो हर इंडस्ट्री पर लोड नहीं आएगा. अगर एक ने अच्छा कर लिया तो वो दूसरे वाली पैसे देके उससे क्रेडिट खरीद सकती है. 1 मीट्रिक टन कितना होता है? 1 टन कितना होता है? एक्चुअली हमारे को मेंशन ही इसलिए करना पड़ा, यहाँ पे मेट्रिक का मतलब और कुछ नहीं है, ये मेट्रिक सिस्टम वाला मेट्रिक है. अदरवाइज जो 1 टन है ना, एक्चुअल जो 1 टन है दैट इज इक्वल टू 2000 pounds, राइट. मतलब ये आप चाहे मत ही लिखो इसको, आपके लिए मैं पे समझा रहा हूँ कि मेट्रिक का, द वर्ड मेट्रिक हेयर रिप्रेजेंट्स द मेट्रिक सिस्टम का टन, जिसके अंदर 1 टन इज इक्वल टू 1000 kilo, 1000 kgs, राइट. वैसे जो क्यों मेट्रिक लिखना पड़ रहा है इज बिकॉज जो US का सिस्टम है उसमें 1 टन इज इक्वल टू 2000 pounds, विच रफली ट्रांसलेट्स टू 907 kgs, और उनका जो 1 मेट्रिक टन है दैट इज 2204 pounds. ये आप लिख सकते हो मेट्रिक टन को अंडरलाइन करके ना, 1000 kg/2204 pounds. तो ये कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हम फिर मेट्रिक टन यूज करते हैं टर्म. हबल के ऊपर कलेश पड़ गया था, बताया था आपको पहले भी, आधे साइंटिस्ट उनके यूएस के थे, बाकी यूरोपियन यूनियन के थे. इधर मेट्रिक चलता है, उधर इंच और दूसरे वाला हिसाब किताब है, तो कैलिब्रेट ही नहीं हुआ. हबल ने जो इमेजेस भेजी इनिशियली वो सारी फजी इमेजेस थी. उसके बाद में एक और मिशन गया वहाँ पे, उसको रीएडजस्ट किया गया, रीकैलिब्रेट किया गया, राइट. उसके बाद में आपको क्लियर कट इमेजेस आनी शुरू हुई है. और अदरवाइज ये जो आप स्टेटमेंट्स देते हो ना, बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ स्टार्स, बिलियंस ऑफ गैलेक्सीज, ये आप ना दे पाते, डिले हो जाती है स्टेटमेंट, आपका वर्ल्ड व्यू छोटा रह जाता. क्या बोलते हैं इसको हम उसमें सोशियोलॉजी में, एज ऑफ नॉलेज, कि आपके नॉलेज का हराइजन कितना है. तो हमारा काम है कि उसको एक्सपैंड करते रहो. तो हबल ने वो किया था, राइट. तो ऐसी मिस्टेक ना हो इसके लिए हमने मेट्रिक वर्ड यहाँ पे यूज करना शुरू कर दिए. आइए बच्चे नेक्स्ट देखते हैं, इको मार्क स्कीम प्रमोटिंग इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स. बहुत सिंपल है ये, प्रोवाइड्स, ये बेसिकली आपको लोगो वोगो लगा के देगा, वो लेबलिंग वगैरह है ना. जैसे हमने बिल्डिंग्स के लिए मार्क डिसाइड किया था, कौन सी एजेंसी ने किया था वो, जैसे हमने बोला था ना कि इको बिल्ड, इको मार्क मिलेगा बिल्डिंग्स को, वो इसका ही सब पार्ट है, उसको ब्रॉड कर दिया है. PAS, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स, राइट.
इसका एक्चुअल मकसद इसके फोर्थ पॉइंट के अंदर लिखा हुआ है, अगर आप देख पा रहे हो। इको मार्क का फिलहाल कोई और मकसद नहीं है, बट इट विल बिल्ड कंज्यूमर अवेयरनेस ऑफ एनवायरमेंटल इश्यूज एंड एनकरेज इको कॉन्शियस चॉइसेस। द मोमेंट मार्केट ने रुख बदल लिया अपना इको प्रोडक्ट्स की तरफ, इज द मोमेंट प्राइवेट सेक्टर खुद ब खुद बहुत जल्दी एडजस्ट हो जाएगा, बहुत ही जल्दी। और ये इट विल बिल्ड कंज्यूमर अवेयरनेस ऑफ एनवायरमेंटल इश्यूज एंड एनकरेज इको कॉन्शियस चॉइसेस। एक और मिशन है जो कि इसके अराउंड रिवॉल्व करता है, जो कि यही करना चाह रहा है। आप में से कुछ ने आंसर्स में लिखा भी हुआ है, उसको पता है आपको। 2021 में ग्लासगो के अंदर COP26 के अंदर प्राइम मिनिस्टर ने उसको लॉन्च किया था, मिशन लाइफ, करेक्ट। वो माइंडफुलनेस इंक्रीज करना चाह रहे हैं, है ना, रेलिवेंस ऑफ बुद्धा एंड योर करंट प्राइम मिनिस्टर इज मिशन लाइफ, राइट, इन्वायरमेंटली कॉन्शियस, कि जहां आप रह रहे हो आपको पता हो आप और आपके एनवायरमेंट में कोई फर्क ना हो। बाय द वे, इट इज द सेम कॉन्सेप्ट एज कबीर डिफाइंड द वर्ड राम, राइट। अकॉर्डिंग टू कबीर ही वॉज ऑफ द व्यू कि नॉट कंसिडरिंग राम द वन हु द लॉर्ड राम, बट राम एज द वर्ड, कि उनका भी तो नाम किसी के ऊपर किसी चीज पे रखा गया था। सो व्हाट दैट राम वर्ड मींस इज द वन हु इज वन विद नेचर, कि अगर बाहर नेचर में कुछ हो रहा है तो वो उसको अपना पार्ट ही समझता है, वो अलग नहीं समझता, सेम आइडेंटिटी, नॉन ड्यूलिज्म काइंड ऑफ बात, राइट। तो मिशन लाइफ उसी की रिफ्लेक्शन है, सेम ही बात है, उसमें कुछ अलग नहीं है, ज्यादा अलग नहीं है। वो भी यही बोलना चाह रहे हैं कि आप और एनवायरमेंट थोड़ा एक 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 ही हो। There is a very beautiful, आगे चलते हैं। There is a very beautiful fact towards this also, कि हमारे यूनिवर्स के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं और जो उनकी हायरार्की है, जैसे सबसे ज़्यादा अबंडेंस में कौन सा एलिमेंट पाया जाता है, सेकेंड नंबर पे कौन सा, थर्ड नंबर पे कौन सा है, इन द होल यूनिवर्स इज द एग्जैक्ट सेम हायरार्की जो आपके ह्यूमन बॉडी के अंदर पाई जाती है, एग्जैक्ट सेम हायरार्की, नोबल गैसेस को हटा के, क्योंकि वो नॉन रिएक्टिव हैं, राइट। जैसे फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन, आपकी बॉडी में भी मैक्सिमम हाइड्रोजन ही है, राइट, ऐसे ऐसे करके नेक्स्ट 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 करके, राइट। सो व्हेन वी टॉक की आप मिशन लाइफ की बात हम करते हैं एनवायरमेंटली कॉन्शियस, सो ये बहुत डीप रूटेड है इन सारी बातों के अंदर, इट्स साइंटिफिक फैक्ट है ये। तभी आपको वो कहते हैं ना, स्टार डस्ट हो आप एक्चुअली हो, मतलब यू लिटरली आर। चले स्टार लोग आगे चले, आ जाओ। TIPV, ये PCS वाले, HCS वाले इसको खास कर देख ले, बहुत सिंपल है ये टॉपिक, और आएगा ये पेपर में, फुल फॉर्म ही पूछ लेंगे मेरे को जहां तक लगता है इसकी। मिल गई फुल फॉर्म आपके डॉक्यूमेंट के अंदर, हाँ अंडरलाइन कर लीजिए इसको। तिलापिया इज द नेम ऑफ द फिश, राइट, और ये बहुत पॉपुलर फिश है, ये हमने पढ़ी भी हुई है, अगर आपको याद आ रहा है थोड़ा थोड़ा। फास्ट ग्रो करती है ये, राइट, इसकी इसलिए इसकी रेयरिंग करी जाती है, ये बहुत फास्ट ग्रो करती है और लो ऑक्सीजन के अंदर भी सरवाइव कर जाती है, मतलब ज्यादा नखरे नहीं है इसके। ये आपकी वो वाली रिश्तेदार है जो गांव से आई है, ठीक है, इनको अब जहां भी सुलाओगे ये सो जाएंगे, बस आपको 7 बजे खाना देना है, ठीक है जी। होते हैं ना कुछ, वो एडजस्ट हो जाते हैं, जो जिनको ज्यादा नखरे नहीं करते हैं, जो अनलाइक वो वाले कजन जो आपके कनाडा से आते हैं जिनको बिसलेरी की बोतलें ला ला के तुम दुखी हो जाते हो। आइए बच्चे, तो ये वायरस मिला इसके अंदर, और इसका जो फर्स्ट पॉइंट अगर आप देखेंगे बच्चे, द वायरस कॉज मोर्टेलिटी रेट्स रेंजिंग फ्रॉम 30-50% इन फार्म्स, विच इज वेरी हाई बाय द वे। अगर आपकी 50% फसल खराब हो जाए, है ना, तो नुकसान है, एंड 100% इन लैब सेटिंग्स,
कहने का मतलब कि वायरस खतरनाक है। पीसीएस पॉइंट ऑफ व्यू से और यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से नेक्स्ट पॉइंट इंपॉर्टेंट है बच्चे, अबाउट टीआईपीवी में अगर आप देखेंगे उसमें, इट इज ए स्मॉल नॉन एनवलप्ड सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए विच इज कॉल्ड SS DNA, सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए, ठीक है बच्चे। तो आपसे डायरेक्टली पूछा जाएगा और चार ऑप्शन दे देंगे इसी को घुमा घुमा के, डीएनए को आरएनए कर देंगे, सिंगल को डबल कर देंगे और हेंस यू गॉट फोर ऑप्शंस। प्लस यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से इसका थर्ड पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है बच्चे, द वायरस वॉज लोकलाइज्ड इन द गिल्स हार्ट ब्रेन, ठीक है बच्चे ये इंपॉर्टेंट है, कंफ्यूज नहीं हो जाना वहां पे। इसमें से मतलब बहुत रेयर चांस, ऑलमोस्ट पूरी मछली कवर हो गई है इसमें बहुत रेयर चांस है कि वो इसको घुमाएंगे, तो कंफ्यूज नहीं होना, ऐसा नहीं है कि बीच में से कोई एक कुछ और डाल देंगे पार्ट इसमें। रेयर है, फिन्स आ गया तो अरमान हटा दियो ठीक है। नेक्स्ट देखिए बच्चे, जो नेक्स्ट पेज कीजिए, फैमिली कीश लीडे, इसका इसी पेज के ऊपर थर्ड पॉइंट अगर आप देखेंगे बच्चे, सेकंड पॉइंट देखेंगे, फ्रेश वाटर स्पीशीज नेटिव टू अफ्रीका, पर ये वाइडली इधर उधर ट्रांसपोर्ट करी है, राइट, बिकॉज अगेन ये लिख लीजिए बच्चे साइड पे आप, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप थोड़ा सा ब्लैंक चल रहे हो इसमें। फिश इंपॉर्टेंट है, देर इज अ पर्पस कि हम इसको क्यों पढ़ रहे हैं, क्यों ये न्यूज में आया और क्यों आज हमारी क्लास में ये फीचर कर रहा है, बिकॉज ये एक इंपॉर्टेंट फिश है, राइट, एक्वा कल्चर के अंदर बहुत, और मरीन लाइफ। पहले तो फर्स्ट में लिखिए आप, इन 2022 वर्ल्ड वाइड की बात हो रही है, तिलापिया प्रोडक्शन, और अंग्रेज भी इसको तिलापिया ही बोलते हैं, इसको ऐसे ही बोलते हैं, तिलापिया प्रोडक्शन वाज एस्टिमेटेड एट 70,000 टन्स ब्रैकेट में लिख लो 30,000 टन्स फ्रॉम एक्वाकल्चर, सेकंड पॉइंट लिख लीजिए, इट इज डब्ड एज, इट इज कॉल्ड एक्वाटिक चिकन। अब याद आया टॉपिक, नहीं आया तो वो आपका हाईलाइट है, हिंट है आपको कि रिवीजन शुरू कर देनी चाहिए। इजी है आज के टॉपिक्स तो, है ना, क्लास बनाते हुए मेरे को ऐसा फील हो रहा था कि इसमें कुछ ज़्यादा है नहीं समझने वाला, बस कुछ कुछ स्टैटिक टॉपिक्स इसमें हाईलाइट हो रहे हैं और वो शायद आपको रियलाइज नहीं हुआ लिखते लिखते, लेकिन आपका आज का होमवर्क का काम थोड़ा ज़्यादा है, बहुत सारी स्कीम्स, बहुत सारी चीज़ें समझने वाली हैं, राइट। मोजेम्बिक तिलापिया, नेक्स्ट पॉइंट, इंडिया में दो टाइप की तिलापिया फिश पाई जाती है, मोजेम्बिक तिलापिया वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया इन 1950s, जब नॉर्थ में ग्रीन रेवोल्यूशन की तैयारी चल रही थी, तो एक्वाकल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से फिशेज वगैरह इंट्रोड्यूस हो रही थी इंडिया में, साउथ इंडिया में, राइट। क्या लिखा हमने, ठीक है, इसको ना जिलाबी बोलते हैं, कॉमा एंड इज कॉल्ड जिलाबी, GILABI, मुझे पता तुम एक्सपेक्ट कर रहे हो मैं कोई जलेबी वाला जोक मारूंगा, नहीं मारूंगा, ठीक है, जिलाबी इन तमिल,
या आपको एज इट इज पूछा जा सकता है। नेक्स्ट इज नाइल तिलापिया वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन 1970s। ये उससे थोड़ी बिगर इन साइज होती है, लिख लो इन 1970s कॉमा इज अ लिटल बिगर, इज अ लिटल बिगर एंड इज कल्चर्ड ऑन अ लार्जर स्केल। आपने वो फिश मार्केट की फोटोज वगैरह तो देखी होंगी, वीडियोस वगैरह, तो जो होल फिशेस बिकती है ना, बाकी सबको कट करके और पीसीस टाइप में बिकता है, मतलब सार्डिन वगैरह अलग से बिकती है, लेकिन जो मेजर आपको एक जैसी फिश दिखती है ना, वो यही फिश है, उसको तिलापिया फिश ही बोला जाता है, ऐसी दिखती है वो, राइट? तो वो जो फिश होती है वो तिलापिया फिश होती है, राइट? तो इस वजह से ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। अगर इस फिश के अंदर हमें ये देखने को मिल रहा है कि वायरस है जो कि 50% डेडली है फार्म के अंदर, तो ये हमारे लिए एक कंसर्न का मुद्दा है। तो आपसे वायरस के ऊपर सवाल पूछा जा सकता है, आपसे फिश के ऊपर सवाल पूछा जा सकता है, और तीसरी चीज़ की कौन से रीजन में है ये भी लिख लो। इन इंडिया, इट इज रेयर्ड एंड ट्रेडेड मोस्टली इन आंध्र प्रदेश एंड केरला। एक लास्ट पॉइंट लिख लीजिए, इट इज कैपेबल ऑफ सर्वाइविंग इन लो ऑक्सीजन लेवल्स। कैपेबल, इसीलिए इसको रेयर किया जाता है। लो ऑक्सीजन लेवल्स में अगर सर्वाइव कर रही है, इससे क्या फायदा होगा? हाँ, हम एक जगह पे ज्यादा फिशेस को रेयर कर पाएंगे, राइट? ओपन पॉइंट्स के अंदर लो ऑक्सीजन लेवल का इतना कुछ खास मतलब होता नहीं, क्योंकि सिमुलेट होती रहती है, बट अगर ये स्पेसिफिकली मेंशनड है कि लो ऑक्सीजन लेवल है, दैट मींस कि उसी पर्टिकुलर गिवन एरिया के अंदर, उसी पॉइंट के अंदर, उसी एक्वा कल्चर के अंदर हम लोग ज्यादा फिशेज रेयर कर पाएंगे। कॉमा, फिश इज एन इन्वेजिव स्पीशीज, रोबस्ट है, लो ऑक्सीजन में सर्वाइव कर रही है, तो ऑब्वियसली ये बाकी सारी की तो बैंड बजा देगी, है इन्वेसिव स्पीशीज है ये। चले बच्चे आगे, सो देयर इज दिस लेक कॉल्ड कांवर ताल, राइट? और कांवर लेक, ये एशिया का, ये फर्स्ट पॉइंट देखिए बच्चे, इट इज एशियाज लार्जेस्ट ऑक्सबो लेक। कॉन्टेक्स्ट इसका ये है कि एनजीटी ने बोला है कि अगर इस पर काम नहीं किया तो ये लेक सूख जाएगी, ठीक है? अगर आपने इसको बचाया नहीं, ये कॉन्स्टेंटली डिग्रेड हो रही है। क्यों ये इंपॉर्टेंट है? इज बिकॉज ये बिहार का ओनली रामसर साइट है, ये ओनली वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस है, एशिया की लार्जेस्ट ऑक्सबो लेक है, राइट? ऑक्सबो लेक क्या होती है वो भी हम देख लेंगे अभी। वैसे ये डायग्राम से आपको थोड़ा समझ में आ रहा होगा, जब भी रिवर की मेंडरिंग होती है आफ्टर सम, ये दिख रही है आपको डायग्राम, दिख रहा है? हाँ, तो जब भी रिवर की मेंडरिंग होती है थोड़े समय बाद में ये नेक बंद हो जाती है, राइट? और यहाँ पे लेक बनी रह जाती है, इसको बोलते हैं ऑक्सबो लेक, ठीक है? समझ रहे हो? ये प्लेन एरिया का फिनोमिना है ये,
जब रिवर प्लेन में आ जाती है ना, तो वहाँ पे बेंड्स में आना शुरू कर देती है, दैट्स वाई लेक्स आर फॉर्म्ड। ऐसी लेक होती है ये। आइए बच्चे, ये पढ़ोगे आप उसमें ज्योग्राफी के अंदर, अगर नहीं किसी को पता तो घबराना नहीं है। सबसे पहले बच्चे टॉप में वो अंडरलाइन कर लीजिए, बिहार ओनली वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस अंडर द रामसर कन्वेंशन, जिसका ईयर है, रामसर कन्वेंशन का क्या ईयर है? आप लोगों ने अगले साल अटेम्प्ट देना है ना? नहीं बच्चे, 19 क्लोज हो बच्चे, 71 बच्चे, 2024 वाले ही बैठे हैं ना यहाँ पे। हाँ, ये मैं करंट अफेयर्स पढ़ाता हूँ, करंट अफेयर 24 में आएंगे, 2025 में ये हो जाएंगे पास्ट अफेयर्स, है ना, वो नहीं पढ़ने हमने। तो ये बाकी तैयारी को सॉलिड रखो, ये हम, ये ब्राउनी क्लास है बाय द वे, आपकी बेसिक तैयारी के बाद में ये आपको सिलेक्शन की तरफ लेके जाती है ये, ठीक है जी। मेन लाइन क्या है, मेन वर्ड्स क्या है इसमें? बेसिक तैयारी ना, उसके बाद का काम है ये, तो बेसिक तैयारी थोड़ी स्ट्रांग रखो अपनी। जॉब कौन कौन करता है क्लास में? अच्छा, फुल टाइम तैयारी कर रहे हो आप लोग ना, मतलब आपके पास एक ही काम है? यहाँ पे आना चाह रहा था मैं, ठीक है ठीक है, एक ही काम है, और अगर वो ना हो तो वो क्या हाईलाइट करता है? बोलना मत, तुम्हें पता है। अभी रिसेंटली एक छोटा सा प्रोजेक्ट था हमारे पास, आई थिंक मैं और रमेश सर गए थे NIT कुरुक्षेत्र, राइट, और वहाँ पे हम लोगों ने एक इवेंट, वहाँ पे कॉन्फ्रेंस उनका इवेंट होता है, तो उधर इवेंट चल रहा था, राइट, और स्टार नाइट है, बड़े बड़े शायर लोग भी आए हुए, को खैर मेरा दिल वहाँ पे लगता तो मेरे को वो याद है, अदरवाइज और सेलिब्रिटी टाइप लोग थे। देयर वी वर कंडक्टिंग प्री मेन्स एंड इंटरव्यू वाइल द इवेंट्स वर हैपनिंग इन द कॉलेज लाइफ, दोज पीपल आर गिविंग मेन्स, राइट, और जब हमने मेन्स के उसमें क्या कहते हैं आंसर्स वगैरह चेक किए थे, उन वो दोज गाइज आर 6 मंथ्स अवे, और वो फर्स्ट सेकेंड ईयर में है, 6 मंथ्स अवे फ्रॉम योर लेवल, 6 महीने दूर हैं वो, राइट। तो उसके बाद से इट वॉज अ काइंड ऑफ आई ओपनर फॉर मी ऑल्सो, कि क्या चल रहा है दुनिया में, बच्चे किस किस लेवल पे हैं। ये 2-3 इन्फॉर्मेशन दी है आपको मैंने पिछली 2 स्टेटमेंट्स में, काफ़ी कुछ है उसके अंदर, प्याज है वो, उसको छीलते रहोगे रोना भी आता रहेगा और लेयर्स ख़त्म भी नहीं होगी, समझ रहे हो? तो समझो इस बात को, ये बेसिक बेसिक तैयारी को थोड़ा सा आप खींच के रखो, अगर आपका एक ही काम है तो। हाँ, तो ये स्टोरी मैं इसलिए सुना रहा था आपको, वहाँ पे जो सिक्योरिटी गार्ड था उसके पास एक ही काम था कि मुझे दुखी करना है, आते जाते हुए वहाँ पे। इन वेरिएबली उन्हें 3 दिन सुबह शाम, जब मैं वहाँ से निकला उसने मेरे से पूछताछ करी है, वो जान गया था मेरा नाम, जानता था वो, मैं उसका नाम जानता हूँ, लेकिन फिर भी वो पूछताछ करता था, क्यों? उसके पास एक ही काम था। NIT के बच्चे हैं, कोई कुछ कर ही नहीं रहा है वहाँ पे, मतलब है ना मौज मस्ती टाइप, जैसे रमेश सर तो बदमाश आदमी होंगे कॉलेज में, खुद ही बताया उन्होंने, किससे सुना रहे थे अपने, मैं भी बहुत बदमाश आदमी था, तो वो कुछ करते ही नहीं बेचारे वहाँ पे, कि क्या सिक्योरिटी गार्ड, क्या सिक्योरिटी का कुछ, तो वो एक काम था उसके पास में, वो कर रहा था, ठीक है। तो आप लोगों के पास में एक काम है सिर्फ, को अंडरलाइन कर लीजिए, हाँ, आप लोगों के पास में सिर्फ एक काम है, और उसका रिवॉर्ड बहुत ज़्यादा है वैसे, मतलब जो काम आपने, क्यों नहीं आपके पेरेंट्स आपको दुखी कर रहे जो आप कर रहे हो उसके लिए? Why are they not saying कि your graduation is complete, go earn something? Why? बेवकूफ़ हैं वो लोग? नहीं यार, पैसा पैसा दे दिया उन्होंने तुम्हें मांगने पे, क्योंकि they understand the importance of what you are doing right now. Probably, ऐसा मेरा मानना है, शायद आप लोगों को इसकी ग्रेविटी नहीं पता जो आप कर रहे हो, right? उदास नहीं होना इस बात से, ये वाली कॉन्वर्सेशन टर्निंग पॉइंट हो सकती है तुम में से किसी एक की लाइफ का, राइट, प्रॉबेबली इस पर्टिकुलर बात जो मैं तुम्हें बोल रहा हूँ, जो मिरर दिखाया जा रहा है, शायद तुम अपनी सक्सेस स्पीच में इसको एज इट इज जिक्र कर दो, कि
कि अगर वो कुत्ते का बच्चा ना बोलता है ना, तो आज शायद मैं यहाँ पे ना होता। तो अगर बातें चुभ रही हैं, इट्स गुड, ठीक है। एक काम है तुम लोगों के पास बस। क्या हो गया? पानी पी लो। और मजेदार काम भी है तुम्हारा वैसे, मतलब इफ यू फ्यू सी तो जो तुम कर रहे हो ना, ये बहुत मजेदार है। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, डेंसिटी ऑफ लर्निंग बहुत हाई है, कोई कुछ बोलने वाला नहीं है। तो आ जाएं वापस, आ जाएं टॉपिक पे, है ना, प्लीज सर जल्दी। कंफर्टेबल होते हैं, अनकंफर्टेबल होते हैं वाले स्पॉट्स जिनमें तुमने अभी अभी खुद को पाया ना, है ना। इंग्लिश में इसको रियलिटी बोला जाता है। इट्स वेरी अनकंफर्टेबल। हो रही है ना फील? हो गए कान गरम थोड़े थोड़े? हाँ, जिसको बोलते हैं बॉडी, बॉडी का रिएक्शन, बॉडी लैंग्वेज नहीं बोलते जिसको, दैट इज अ लैंग्वेज दैट यू कैन नॉट कंट्रोल। तो अभी जो तुम्हारे कान गरम हो रहे होंगे थोड़े थोड़े, तो यू कैन नॉट कंट्रोल इट। उसका एक ही काम है, करेज से उसको फेस करना है, एंड कंसिडर दिस एज डे वन, राइट। ये पास्ट में तुम जा नहीं सकते, पर कुछ खोया भी नहीं है, राइट। इट्स ओके, अभी बहुत कंफर्टेबल पोजिशन में हो, इफ दिस इज डे वन, ठीक है जी। और मत हंसो स्टार्टिंग में क्लास में, ऐसे निकलती है खुंदा क्लास लास्ट में जाके फिर। एक शेर है हमारे मेरे दामन में तो कांटों के सिवा कुछ भी नहीं, आप फूलों के खरीदार नजर आते हैं, है ना। तो जिस दुकान में जो मेरे पास कांटे ही मिलेंगे आपको, है ना। आइए बच्चे चलते हैं आगे। क्या करा था हमने लास्ट में, कुछ लिखा है अभी तक? बस बोल ही रहा था मैं इसके ऊपर। आइए बच्चे, ठीक है। क्यों हम इसको पढ़ रहे हैं बच्चे? बिकॉज ओनली वेटलैंड। इसके अलावा वी हैव एशियाज लार्जेस्ट ऑक्सबो लेक। ऑक्सबो लेक के ऊपर कुछ लिखना है यहीं पे, एक लाइन में लिख ले। आइए बच्चे, ऑक्सबो लेक सार, क्रिसेंट लाइक वाटर बॉडीज, क्रिसेंट CRESCENT, क्रिसेंट लाइक वाटर बॉडीज, फॉर्म्ड ड्यू टू इरोजन एंड डेपोजिशन इन मीएंडर्स ऑफ रिवर्स। मीएंडर इज नथिंग बट अ टर्न इन अ रिवर, उसको मीएंडर बोलते हैं। टर्निंग ऑफ अ रिवर को मीएंडरिंग बोलते हैं, राइट। टेक्निकली इसकी डेफिनेशन थोड़ी सी ज्यादा डीप होगी इसमें, हमारे लेवल के लिए करंट अफेयर समझने के लिए इतना बहुत है। द साइज ऑफ द लूप, इस लूप की बात हो रही है। द साइज ऑफ द लूप इंक्रीजेस, जैसे स्टार्टिंग में लूप छोटा होता है, द साइज ऑफ द लूप इंक्रीजेस कॉमा इट बिकम्स हार्डर फॉर द रिवर टू फ्लो थ्रू इट। अब लूप से निकलना हार्ड हो जाता है रिवर के लिए, कॉमा इट ऑप्ट्स अ स्ट्रेट पाथ। कॉमा कॉजिंग द नेक टू इवेंचुअली क्लोज।
इसको मेंडर नेक बोला जाता है बच्चे, ये देखो, तो ये नेक छोटी 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 होती जाती है, राइट, एंड रिवर टेक्स दैट पाथ, एंड इसको बोलते हैं ऑक्सबो लेक। तो अगर आपको आएगा क्वेश्चन इस टाइप का आता है कि हॉर्स शू शेप लेक इनमें से कौन सी है, राइट, उसमें वो टान लेक, ये लेक, वो लेक कर देंगे, तो दैट इज़ दी ऑक्सबो लेक, जो कि आपकी हॉर्स शू शेप की है। लिख सकते हो आप अगर लिखना चाहो तो, ऑक्सबो लेक के वहीं पे एरो डाल के लिख लो, हॉर्स शू लाइक, हॉर्स शू लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है जी। तो टेंजिबल टारगेट आपका यही है, वो सारी बातें एक तरफ रख के कि अब अक्टूबर की, आई थिंक ये लास्ट क्लास है आज अक्टूबर की, हाँ, तो इससे पहले, और ये कौन से नंबर का डॉक्यूमेंट है, दिस इज द 14th डॉक्यूमेंट, नेक्स्ट क्लास से पहले पहले चार डॉक्यूमेंट रिवाइज कर लीजिए, इजी इनफ, चार तो कुछ भी नहीं है, है ना, ऐसे ऐसे करके हम हर क्लास से पहले चार चार कर लेंगे। सो इन नेक्स्ट मंथ, मतलब नवंबर तक, हमारा नवंबर से पिछले जितना भी है वो पूरा रिवाइज्ड एंड अपडेटेड हो जाएगा, राइट। तो ये आपका टेंजिबल टारगेट है, लिख लो इसको फ्रंट पेज पे सबसे ऊपर, रिवाइज डॉक्यूमेंट 1 to 5, 5 करेंगे तो 4, 1 to 4 कर लो, ठीक है, चार अगर ज्यादा लग रहे हैं 3 कर लेना, है ना, आप अपने हिसाब से थोड़ा सा एडजस्ट कर लो इसको, अगेन वो टारगेट पर्सनलाइज्ड ही बनता है, पर यू गेट माई पॉइंट, राइट, उसका जो वो सारी बातें थी ना कि आप लोगों का एक ही काम है, उसका ये मतलब है प्रैक्टिकली, है ना, नहीं तो अदरवाइज वो बकवास बात है कि फिर क्या करूं, अगर एक ही काम है तो करना क्या है, ये करना है जी आपको, ठीक है जी, टेल योर ब्रेन व्हाट टू डू, आपने रिवाइज करना है उसको, और रिवाइज कैसे करना है, जो भी चीज़ें उसमें आपने रिसर्च नहीं कर रखी होंगी सारी कर लेनी है, राइट। आइए बच्चे, फर्स्ट एंड ओनली रामसर साइट इन बिहार, और 2020 के अंदर डिक्लेयर किया था बच्चे। नेक्स्ट आप देखिए, इट ड्रॉज वाटर फ्रॉम द कॉन्फ्लुएंस ऑफ, 3 रिवर्स हैं, गंदक, बिया, उसको अंडरलाइन कर लीजिए, यार खबर तो आप लोगों के लिए भी है इसमें, पर रुक जाते हैं, लास्ट में बताते हैं, आइए, और मत करो स्माइल मेरे पे, स्टार्टिंग में तुम बुरा लग गया मेरे को, वो मैं बता रहा हूँ, वो दिल पे ले गया हूँ मैं, अब अगली 2 क्लास से मैं तुम्हें दुखी करूँगा, बीच बीच में तुम्हारे आज रियलिटी चेक्स आएंगे, बहुत भाग लिए तुम, रुको बैठो, नहीं दिखेगा आपको ऐसे। आइए बच्चे, थोड़ा सा इसके बारे में देख लेते हैं, और लेक के बारे में, इट इज एन इम्पॉर्टेंट स्टॉप, क्यों ये, मतलब क्यों पढ़ रहे हैं हम इसको, क्यों बचानी है ये, इट इज एन इम्पॉर्टेंट स्टॉप ओवर, एक ही वर्ड है स्टॉप ओवर, लेक के बारे में लिख रहे हैं बच्चे हम थोड़ा सा, इट इज एन इम्पॉर्टेंट स्टॉप ओवर अलोंग द सेंट्रल एशियन फ्लाईवे, अलोंग द सेंट्रल एशियन फ्लाईवे, सेंट्रल एशियन फ्लाईवे इज द फ्लाईवे जो कि हमारी 58 वाटर बर्ड्स जो कि माइग्रेटरी नेचर हैं वो इस्तेमाल करती हैं, उसके रास्ते में पड़ता है ये, फाइव क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीशीज, inhabit this site, three
थ्री, इसमें तीन वल्चर्स हैं, लिख लीजिए आप, रेड हेडेड, मतलब ये लिख लेना 1 2 3 रेड हेडेड, और ये तीन नाम और तीनों के सामने एरो डाल के वल्चर, रेड हेडेड वल्चर, व्हाइट रम्प्ड, व्हाइट डैश RUMPED, व्हाइट रम्प्ड वल्चर, इंडियन वल्चर जिसको जिप्स इंडिकस भी बोलते हैं, अब तो खैर UPSC ने पूछना बंद कर दिया। नेक्स्ट वी हैव टू वाटर बर्ड्स, ये 5 क्रिटिकली एंडेंजर्ड की बात कर रहे हैं हम, तो इसमें आपको इनका भी पता लग रहा है कि कौन कौन सी क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। सोशिएबल लैपविंग, SOCIABLE, लैपविंग LAPWING। बाय द वे इन दिनों अगर आप क्या चल रहा है अभी, अक्टूबर एंड चल रहा है ना, हाँ, अगर आप आसमान में सिर उठा के देखोगे रात को तो आपको माइग्रेटरी बर्ड्स के झुंड दिखाई दे रहे हैं इन दिनों, मतलब वेरी ब्यूटीफुल, और एक साथ बड़े बड़ी, मतलब बहुत बड़ी बर्ड्स होती है माइग्रेटरी बर्ड्स, एंड दे डू नॉट मोस्टली फ्लैप देयर विंग्स, वो ट्रैवल ही कर रही होती हैं ऊपर किसी जेट स्ट्रीम पे या जो भी उनका मोड है, और इन दिनों दिख रहा है, इफ अगर किसी को स्टार गेजिंग कोई करता है या जैसा भी है, तो इफ़ यू सी तो इन दिनों ये देखने को मिल रही हैं, एंड यू कैन ईजिली आइडेंटिफाई कौन सी बर्ड है, किधर को जा रही है, एंड यू विल सी देम ट्रैवलिंग टूवर्ड साउथ, है ना, और जिधर को भी वो ट्रैवल कर रही होंगी, अगर आप लोग जंगल में खो रखे हो तो जिधर को वो ट्रैवल कर रही है वो साउथ ही होगा, है ना। आइए दूसरा इज बेयर्स पोचार्ड, BAER apostrophe S, बेयर्स या पोकार्ड, POCHARD, इसका भी साइंटिफिक नेम बड़ा अपना, दीज आर दी थिंग जिसके लिए मैं तुम्हें बोलता हूं कि वो टेढ़ी मेढ़ी चीजें तुम कर सकते हो, इसका साइंटिफिक नेम आथिया है, राइट तो मेरे को ये बर्ड देखते ही सुनील शेट्टी याद आता है, पता नहीं क्यों, जहां भी मैं नाम पढ़ता हूं। हाँ, इसका एक्चुअली इसका साइंटिफिक नेम इज आयथिया बैरी, राइट, सो दैट्स व्हाई आई टेल यू कि क्यों अब सडनली याद आ गया कि इसका साइंटिफिक नेम क्या है ना। यू कैन राइट अगर तुम्हारा मन करे, AYTHYA, BAER, दो वर्ड्स हैं इसका साइंटिफिक नेम है, बाकी किसी का नहीं याद आ रहा, एक बस जिप्स इंडिकस इंडियन वल्चर का याद है और एक ये याद में आ रहा है, पढ़े मैंने सारे थे एक समय पे। तो आपको समझ में आया ये वाटर बॉडी के बारे में क्यों पढ़ रहे हैं हम लोग, एक बर्ड सेंचुरी भी है यहाँ पे इसी नाम से, थ्रेट्स लिख लीजिए, थ्रेट्स एंड चैलेंजेस क्या हो सकते हैं थ्रेट्स यहाँ पे, लेक सूख रही है, क्यों सूख रही होगी, क्लाइमेट चेंज, मतलब अगर टू बी स्पेसिफिक यहाँ पे लो रेनफॉल हो रही है, तो लिख लीजिए क्लाइमेट चेंज डैश, ये ऊपर थ्रेट्स, क्लाइमेट चेंज ऐसे एरो डाल के, डेफिसिट रेनफॉल, मतलब लो रेनफॉल से बेटर लगता है वर्ड ये, डेफिसिट रेनफॉल। और क्या होगा थ्रेट, क्या होगा इधर, बहुत सिंपल सिंपल है, पढ़ रखे हैं, 10वीं क्लास का बच्चा बता देगा। पॉल्यूशन, मैंने बोला 10वीं क्लास का बच्चा बता देगा, 10वीं क्लास का ही पॉइंट दिया गया, अगर मैं नर्सरी बोलता तुम तो तोतले होके बोलने लग जाते। अर्बनाइजेशन एंड लैंड एक्विजिशन, क्योंकि एक बर्ड सेंचुरी है, एक बर्ड सेंचुरी में सबसे ज्यादा खतरा किस चीज का होता है, हाँ हंटिंग लिख लो,
माइग्रेटरी बर्ड हंटिंग, और जो आप पोल्यूशन की बात कर रहे थे वो थोड़ा सा इस एंगल पे जाएगा आपका एग्रीकल्चर अराउंड वेटलैंड एरिया, इसमें कन्वेंशनल पोल्यूशन नहीं आएगा आपका, है ना, इसमें वो वाला पोल्यूशन आएगा कि पेस्टिसाइड्स यूट्रोफिकेशन वाला पोल्यूशन जाएगा इधर को। सिल्ट एक्यूमुलेशन क्या होगा सिल्ट एक्यूमुलेशन से? रिवर तो यहां पे है ही नहीं ना, अब मतलब आपकी डेप्थ कम हो जाती है, जितना सिल्ट आती रहेगी उतनी आपकी रिवर की डेप्थ कम होती रहेगी। लिख लीजिए सिल्ट एक्यूमुलेशन। हाँ जी बच्चे, बात तो सही है। थ्रेट्स एंड चैलेंजेस कर लो अब, ठीक है। टॉप टॉपिक का है ये, लेक का चैलेंज कैसे हुआ? लेक का चैलेंज सोचो जरा एक बार। लेक का सूखना लेक की एक प्रॉब्लम है, लेकिन अगर आपने वहां पे उसके इकोलॉजी को डिस्टर्ब करा, समझ रहे हो क्या बोल रहा हूं मैं? लेक का ही है वो, मतलब लेक को आप एज अ वाटर बॉडी समझ रहे हो मुझे लग रहा है। लेक सिर्फ एक पानी का वो नहीं है, वो तो ये वाला पीछे खरड़ में जो टोबा है वो भी है। इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस है ना, तो अगर माइग्रेटरी बर्ड्स वहां पे आ रही हैं, नेस्टिंग कर रही हैं मोस्ट इंपॉर्टेंटली, राइट, तो लेक का आपका इकोसिस्टम खराब होता है। अब हो रहा है सेटिस्फाइड? ठीक, और वैसे तो यहाँ पे मतलब आए दिन न्यूज आती है यहाँ पे फार्मर्स और जो आपके फिशरमैन हैं उनकी लड़ाइयाँ होती रहती हैं, वो भी एक चैलेंज ही है लेक के लिए। ठीक है बच्चे, चलें आगे। रामसर कन्वेंशन के बारे में आप लोग स्टैटिक में पढ़ोगे, ठीक है, अगर अगर लास्ट लास्ट में समय हुआ तो वील ऑल्सो राइट अ फ्यू पॉइंट्स जो कि आपके प्री स्पेसिफिक होंगे, स्ट्रेट फॉरवर्ड, ठीक है। रामसर कन्वेंशन आप वैसे तो डिटेल में पढ़ते हो, कहाँ है रामसर? ईरान में। आप इटली बोल रहे हो? सुन लिया था मैंने, बस मैं हाईलाइट करना चाह रहा था। हाँ जी, हाँ जी, चलें बच्चे आगे। सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आ गया है इस पर, ठीक है, और मान्यता नहीं मिली है। मैं अगर आपको बहुत आसान भाषा में इसके ऊपर बताऊं तो उन्होंने बोला है कि मैरिज एक सिविल यूनियन है, ठीक है, कहने का मतलब इट इज गाइडेड बाय सिविल लॉज, तो ये लेजिस्लेचर का काम है, तो इन्होंने सिर्फ इस चीज के लिए मना किया है कि, और दूसरी बात यह भी है कि जो राइट टू मैरिज है वो एक फंडामेंटल राइट नहीं है आर्टिकल 21 के तहत, ठीक है, और ये भी उन्होंने रिइटरेट कर दिया, और दूसरा ये बोल दिया कि ओवरस्टेपिंग हो जाएगी लेजिस्लेचर ने जब लाना हो, बिकॉज लॉज हैं अलग अलग, हर रिलीजन का अपना लॉ है, हिंदू मैरिज एक्ट ये वो है ना, हर रिलीजन अपने हिसाब से, मतलब अगर आपने कोई शादी वादी अटेंड करी है, करी तो होगी, डू यू एवर सी देम साइनिंग अ डॉक्यूमेंट और समथिंग? सरकारी डॉक्यूमेंट साइन करते हुए देखा है? सोचो, इंडिया में कोई मैरिज को लीगलाइजेशन दो तरीके से मिलती है। नंबर वन, आइदर इट इज अ रिलीजियस मैरिज जिसके अंदर ऑलरेडी आपके जो
ट्रस्ट जो भी आपके इंस्टीट्यूशंस हैं उनके पास में अथॉरिटी होती है, वो लोग करते हैं, ठीक है, वो रजिस्ट्रेशन पीछे अलग है। इसके अलावा देर इज अनदर फॉर्म ऑफ मैरिज जिसको सिविल मैरिज कहा जाता है, सिविल लॉ के तहत मैरिज कहा जाता है, राइट। जब आप मैरिज रजिस्टर करवाने जाते हो तो उस समय नहीं आपको एक महीने का नोटिस देना होता कि मैं और ये शादी कर रहे हैं, अगर किसी को भी पूरे इंडिया में आपत्ति है, हाँ हाँ, इट्स अ लॉ अंडर स्पेशल मैरिज एक्ट, 30 डेज का आपको देना पड़ता है पहले, भाग के शादियां करना कोई मतलब आसान नहीं है, इसलिए खाप पंचायत पड़ जाती है पीछे, क्योंकि अखबार में आ जाता है, लॉ बोलता है आपको निकालना है उसको, ठीक है। तो दूसरा है आपका स्पेशल, अगर आपको मान लो कोई एक रिलीजन का नहीं है, अब मंदिर तो मंदिर वाले तो नहीं करेंगे, है ना, इरफान और आरती की या फॉर दैट मैटर एनी अदर नेम, है ना, वो नहीं करेंगे, तो उसके लिए हमारे पास है स्पेशल मैरिज एक्ट जिसमें सारे रिलीजन के लोग कर सकते हैं, राइट। तो इन दो तरीकों से आप यू कैन गेट मैरिड। तो ये बोल रहे हैं कि उस वो लॉ अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है क्योंकि उसमें थर्ड जेंडर या LGBT कम्युनिटी को इंक्लूड नहीं किया, उसने दोनों स्टेटमेंट्स दे दी, ठीक है। आइए अब देखते हैं कि उन्होंने कहा क्या है, समझ में आया मुद्दा, डोंट वरी, आपको मैं स्पेशल मैरिज एक्ट भी पढ़ा दूंगा, इसमें मैंने मेंशन नहीं किया है बट वील राइट ऑन दैट। हाँ बच्चे, व्यूज ऑफ सुप्रीम कोर्ट पे आइए। बाय द वे, 2-2 और मतलब मेजॉरिटी माइनॉरिटी हुई है इसमें, माइनॉरिटी ने, एक ने इसका साथ भी दिया था, ठीक है जी, पर हाउएवर कुछ कुछ बातों पे एक दूसरे की एग्री दोनों ने किया है, फाइनल वर्डिक्ट ये है जो हमने देखा है अभी। आइए बच्चे, 2 जजेस मेंशनिंग दैट डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ सेक्सुअल ओरिएंटेशन इज अ वायोलेटिव ऑफ आर्टिकल 15 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। क्या बोलता है आर्टिकल 15? डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ ओनली ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, राइट, जेंडर, प्लेस ऑफ बर्थ। याद कर लो इसको, ये HCS वाले घुमा देते हैं इसको भी कि आर्टिकल 15 प्रोहिबिट्स डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ, उसमें सब सारे वर्ड्स होंगे, एक एक दो दो एक्स्ट्रा या एक एक दो दो कम होंगे, तो एग्जैक्टली याद होना चाहिए कि क्या क्या चीजें हैं उसमें, राइट। एंड इट इज रिलीजन, रेस, कास्ट, जेंडर, प्लेस ऑफ बर्थ, ठीक है जी। तो ये वाले जो 2 जजेस हैं वो मैरिज को एक यूनियन मान रहे हैं और उसमें बोल रहे हैं सेक्सुअल ओरिएंटेशन का कोई लेना देना ही नहीं है, लेकिन हमारे लॉ के अंदर कुछ और है, राइट। तो इसलिए वो बोल रहे हैं कि जुडिशरी नहीं, एक पैरेलल लॉ लेके आएगी, जुडिशरी का काम लॉज लाना नहीं है, वो लेजिस्लेचर का है, वो एक प्रॉपर लेग ऑफ गवर्नमेंट है, तो जुडिशरी ने अपने हाथ पीछे खींच लिए। हाउएवर दे कमेंटेड ऑन दैट, सुप्रीम कोर्ट इज सफिशिएंटली प्रोग्रेसिव इन सच केसेस। नेक्स्ट इज द मेजॉरिटी व्यूज, जस्टिस के नाम आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, disagreed on the point holding that it was for the legislature and not the court, ठीक है, ये सुप्रीम कोर्ट का व्यू है इसके ऊपर, टू फॉर्मली रिकॉग्नाइज एंड ग्रांट लीगल स्टेटस और ये सब। इट कैन नॉट इनिशिएट अ पैरेलल फ्रेमवर्क, ठीक है, अगर आप फाइनल वर्डिक्ट में देखोगे, इसके अलावा नेक्स्ट पेज पे अगर आप जाएंगे बच्चे, जो आपका सेकंड लास्ट पॉइंट है, इट आल्सो क्लियरली मेंशन्ड दैट राइट टू मैरी इज नॉट अ फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 21 और आर्टिकल 15, दोनों में ही नहीं है। तो सिर्फ इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट के ऊपर यूपीएससी स्टेटमेंट बना, क्वेश्चन बना सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट, है ना, तो उसके अंदर वो करेगा, दैट राइट टू मैरी इज अ फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 21 बट नॉट अंडर दिस, इज अंडर दिस, नॉट अंडर दिस, ऐसे करके, इज नॉट अंडर बोथ, इज अंडर बोथ, इस टाइप का करके कुछ क्वेश्चन बना सकता है वो,
तो कंफ्यूज नहीं होना, वो नहीं है फंडामेंटल राइट, किसी में भी हो जाए। और उसने बोल दिया कि ये आपका स्टैचुटरी राइट है, लीगल राइट है आपका, है ना, क्योंकि मैरिज आप कुछ लीगल इश्यूज उसके लिए ही करते हो। इसमें ना कुछ कुछ फैक्ट पॉइंट लिख लेते हैं बच्चे, साइड पे टॉप पे लिख लीजिए आप। जो पहली पहली कंट्रीज नहीं है सेम सेक्स मैरिजेस को लीगलाइज करने के लिए, उनका एक उनकी छोटे से लिस्ट बना लेते हैं। ऑस्ट्रिया, स्वीडन, नॉर्वे और सरप्राइजिंगली आपकी ब्रिक्स नेशन में से एक ब्राजील एंड चिले, CHILE आर अमंग द फर्स्ट नेशंस टू रिकॉग्नाइज सेम सेक्स मैरिज। ऑस्ट्रिया, स्वीडन, नॉर्वे, ब्राजील एंड चिले। इसके अलावा ये अब जो हैं जो सेम सेक्स मैरिज के ऊपर जो लॉज हैं वो आपके क्रोएशिया, चेक रिपब्लिक, एस्टोनिया, ग्रीस, हंगरी, इटली, इन कंट्रीज में भी आ गए, बट दीज कंट्रीज वर दी पाइनियर। बाकी इफ यू एवर फील डम इन योर लाइफ, कभी तुम्हें लगे ना कि तुम बेवकूफ हो, तो ऑस्ट्रिया के अंदर एयरपोर्ट के अंदर इमिग्रेशन के अंदर एक स्पेशल काउंटर है फॉर दी पीपल हु थिंक इट्स ऑस्ट्रेलिया। ऐसी फन फैक्ट। स्पेसिफिकली टैकलिंग की वो लोग जिनको लगता है ऑस्ट्रेलिया आए हैं और ऑस्ट्रिया आ गए हैं, टिकट है ना, हाँ ठीक है, तो कोई बात नहीं। आइए बच्चे साथ में हम ना लिख लेते हैं आपका वो, ये आपने अंडरलाइन कर ली सारी इंपॉर्टेंट चीजें, नेक्स्ट पेज के ऊपर पेज नंबर 9 के ऊपर जो ऊपर टॉप टू दो पॉइंट्स हैं, ये इंपॉर्टेंट है, नॉट अ फंडामेंटल राइट और अ स्टैचुटरी राइट, ठीक है जी। राइट, एक पुट अ स्मॉल हेडिंग, स्पेशल मैरिज एक्ट। स्पेशल मैरिज एक्ट 1954। It governs a civil marriage where the state sanctions the marriage rather than क्या होगा, the religion, हाँ rather than the religion, applicability ऐसे लिख लो इसको, all faiths, every faith, हिंदू, मुस्लिम, सिख्स, क्रिश्चियंस, जैन्स, बुद्धिस्ट, सब। मैरिज इसीलिए आप मतलब जो मैं क्यों बोल रहा था कि एक सिविल पर्पस होता है इसका, इज बिकॉज इसके बाद में आपको इनहेरिटेंस राइट्स मिलते हैं, आपको सोशल सिक्योरिटी राइट्स मिलते हैं, है ना, और आपके राशन कार्ड पे नाम आता है, राइट तो इन सब चीजों के लिए आपको लीगैलिटी चाहिए होती है। मैरिज को मैरिज रजिस्ट्रार के पास में रजिस्टर करवाना वर्सेस एक्चुअल मैरिज अलग बातें हैं, है ना, तो स्पेशल मैरिज एक्ट के थ्रू यू एक्चुअली गेट मैरिड, जो आप बात कर रहे थे वो साइन वाइन करते हैं वहां पे, दैट इज द रजिस्ट्रेशन ऑफ द मैरिज,
कि हमने फलाने फलाने रिलीजन के इस सेरेमनी के तहत ये किया था और जिसने आपके वो फेरे या फिर आपकी कलमे जो पढ़ाया होगा आपको, राइट, वो साथ में उसके साइन होते हैं एंड योर मैरिज गेट्स रजिस्टर्ड। एज लिमिट क्या होगी इसमें? हाँ, ये आई थिंक लिखने की भी ज़रूरत नहीं है। एज लिमिट 21 फॉर मेल्स, 18 फॉर फीमेल्स। एक दो पॉइंट्स आपके मतलब के लिख लेते हैं अब इसमें। Act specifies that parties मतलब जिन्होंने शादी करनी है, parties must give written notice to the marriage officer of the district and at least one of the parties ye catch hai isme and at least one of the parties must have lived in the district for at least 30 days immediately before the date of not marriage notification immediately before the date of such notification. Okay. Okay, Arman. दिन गिन लिए तुमने उंगलियों पे? तभी इससे पहले हाई कोर्ट ने लीव इन को लीगल कर दिया। हाँ, जब भी हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात करते हैं ना, एक एक ग्राफ बनता है, आई एम फॉरगेटिंग द नेम ऑफ दैट ग्राफ, जिसकी अल्टीमेट स्टेज ऑस्टेरिटी होता है, एक प्री टेक ऑफ स्टेज होती है ना इकोनॉमी की। तो आपकी इकोनॉमिक डेवलपमेंट आपके सोशल चेंज के साथ में ना बिल्कुल ऐसे हाथ पकड़ के चलती है। और जो चेंजेस आपको, जैसे जैसे हमारी इकोनॉमी डेवलप होती जा रही है, पर कैपिटा इनकम इंक्रीज हो रही है ना, लिविंग स्टैंडर्ड चेंज होते जा रहे हैं, हमारे भी सोशल चेंजेस कुछ कुछ सिमिलर ही हैं, जिसमें से एक ट्रेट ये मैरिज एज एन इंस्टीट्यूशन का चेंज होने का देखने को मिलता है, राइट, ऑफ सच नोटिफिकेशन। इसका सब पॉइंट बना लीजिए। सेक्शन 7 ऑफ द एक्ट अलाउज, तुम्हें तो इसका सेक्शन भी बता दूंगा मैं जो मैं बताने वाला हूं। सेक्शन 7 ऑफ द एक्ट अलाउज एनी पर्सन, इन कोर्ट्स में एनी पर्सन to object to the marriage before the expiration of 30 days public notice. और जो वो कपल्स को प्रोटेक्शन वगैरह मिलती है ना, लीगल प्रोटेक्शन, पुलिस को बोल देते हैं कि इनको, वो इस एक्ट के अंदर ही है, वो भी है ना, जो इस एक्ट के थ्रू मैरिज को प्रोसीड करता है उन लोगों को मिलती है पुलिस प्रोटेक्शन। 5 बजे किस चीज़ की क्लास है आपके बच्चे आज? हाँ, है नहीं आज, मुबारकें। बच्चे आपको जो इसके बाद में खुद से कवर करना है ना, दैट इज रीड अबाउट दी
LGBTQIA+ कम्युनिटी, हर एक वर्ड का मतलब देख लेना क्या मतलब है, उनकी प्रॉब्लम्स, मतलब अगर मैं तुम्हें थोड़ा सा हिंट दूं ना कि क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूं आपको, जो इंडिया का लिटरेसी एवरेज रेट है दैट इज 74%, जो इस कम्युनिटी का रेट एजुकेशनल रेट है, लिटरेसी रेट है, दैट इज 46%, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम है इस पूरे उसके अंदर, अदर देन द डिस्क्रिमिनेशन जो हर पॉइंट पे फेस करना पड़ता है, कैसी डिस्क्रिमिनेशन, राइट फ्रॉम योर सोशल डिस्क्रिमिनेशन और आपकी एजुकेशनल डिस्क्रिमिनेशन, है ना, ये सब कुछ फेस करना पड़ता है, सोशल एक्सक्लूजन, ये तो हो गया मैक्रो। माइक्रो के अंदर सेल्फ एस्टीम, है ना, मेंटल हेल्थ, ये सारी प्रॉब्लम्स, हेट क्राइम्स एंड हैंस हाई अनएम्प्लॉयमेंट, राइट। तो ये है मेन प्रॉब्लम्स इस यहाँ पे। चलिए भाई चले आगे। बच्चे ये टॉपिक ना बहुत सिंपल सा है, इसमें ज्यादा कुछ करने वाला है नहीं है, इसमें उन्होंने आपके डिजास्टर्स को और पर्सन विद डिसेबिलिटीज, इनकी जितना ये प्रोन होते हैं डिजास्टर्स को लेके, उसको लिंक किया हुआ है आपस में। तो व्हेन आई रेड द रिपोर्ट तो मेरे को इनकी लिंकेज अच्छी लगी थी, दैट यू शुड बी एबल टू लिंक एनी टू थिंग्स, तो उस वजह से मैंने ये टॉपिक यहाँ पे जो है मेंशन किया हुआ है, राइट। सो गिव इट अ रीड, देख लेना, अगर कुछ समझ में नहीं आया सो वैसे तो आ ही जाएगा, इसमें कुछ है नहीं ज़्यादा, स्टिल यू कैन विजिट मी। बाय द वे थर्सडेज को ना मैं यहाँ से 12 से 2 के बीच में आपको यहीं कैबिन में मिलूंगा, है ना। तो अगर आप लोगों को कुछ भी आंसर वांसर में कुछ प्रॉब्लम होती है, जो भी है, आप डायरेक्टली वहाँ आ सकते हो थर्सडेज 12 से 2 क्लास से पहले। और आज तो खैर क्लास के बाद में आप लोगों के पास भी टाइम हो गया, तो आज तो क्लास के बाद भी हमारे पास 1 घंटा है, राइट। तो आप लोग यूटिलाइज कर सकते हो इस टाइम को। आइए बच्चे नेक्स्ट चलते हैं। सो देर आर मेनी आइलैंड जो कि आपकी ग्लोबल वार्मिंग की वजह से एंड फॉर अदर रीजन्स, राइट, एनवायरमेंटल रीजन्स, दे आर सिंकिंग और सबमर्जिंग, मतलब प्रैक्टिकली स्पीकिंग दे आर डिसअपेयरिंग, राइट। तो उन आइलैंड्स को लेकर NGT ने एक नोटिफिकेशन निकाली है, एक स्टेप लिया है, जहाँ पे उन्होंने एक इनको बोला है कि आप लोगों को जो गाइडलाइंस दी हुई हैं आपकी जितनी भी कोस्टल जोन मैनेजमेंट अथॉरिटीज़ है, CZMAs, कोस्टल जोन लिखा हुआ इसके अंदर मैनेजमेंट अथॉरिटीज़ हैं, उनको बोला है कि आप इस एक्सपर्ट पैनल की रिकमेंडेशन को अपनाओ, ठीक है। तो ये इस टॉपिक के अंदर मैंने आपको ऐसे लिख के दे दिया इसके अंदर कि एक्सपर्ट पैनल ने क्या रिकमेंडेशन कही है, ठीक है जी। और व्हाई दिस टॉपिक इज बीइंग गिवन टू यू इज एज सिंपल एज दैट कि सच काइंड ऑफ टॉपिक को इस तरीके से अप्रोच किया जाता है। ये भी आपका एक लर्निंग टाइप का टॉपिक ही है कि अगर आपने सॉल्यूशन देना है, मल्टी लेग्ड सॉल्यूशन देना है, तो किस तरीके से दिया जाता है, राइट। देखिए बच्चे सबसे पहला पॉइंट उसमें लिखा हुआ है एक्सपर्ट पैनल की क्या रिकमेंडेशन है, इज इट आइलैंड स्पेसिफिक सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड टूरिज्म पॉलिसी। कोई भी दो आइलैंड्स की नीड सेम नहीं होगी, किसी भी दो रीजन की नीड सेम नहीं होती है, हेंस डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, जो आप पॉलिटी के अंदर भी पढ़ते हो, है ना, गांधीयन मॉडल, जिसमें आप पावर डिस्ट्रीब्यूट कर देते हो उन लोगों के पास जो एक्चुअली वहां रहते हैं, उन्हीं को बोलो डिसीजन मेकिंग। आप बताओ यहां पे खैर कौन कौन रहता है, चलो ठीक है रहने दो, आप लोगों से तो मैं आसपास कभी नहीं पूछ सका, तुम घूमते तो नहीं होंगे यहां पे, है ना,
कहाँ घूमता है विनय? तो आपको अपने लोकल एरिया के बारे में ज्यादा पता होगा, और माइक्रो में चलते हैं, आपको आपके रूम में कौन सी चीज कहाँ पे पड़ी है और किस चीज को कैसे सेट करना है आपको किसी बाहर वाले से ज्यादा बेटर पता होगा, चाहे मैं क्यों ना जाके वहां पे कुछ सेटिंग करने लग जाऊं, स्टिल यू विल बी नोइंग बेटर कि कौन सी चीज कहाँ पे रखने से क्या कैसा होगा, राइट? तो वो बात है यहाँ पे कि ये बोल रहे हैं कि आप आइलैंड स्पेसिफिक डिसेंट्रलाइज्ड पावर के हिसाब से आप कंडक्ट करोगे तो ऑटोमेटिकली आपके एरिया में सुधार हो जाएगा, राइट? बहुत सिंपल पॉइंट है वो. नेक्स्ट इज डाइवर्सिफाइड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ऑल्टरनेटिव क्लाइमेट रेजिलियंट, ये इंस्टॉलेशन ऑफ GPS GNSS स्टेशंस. क्या होता है GNSS? अरे मैं क्यों दुखी हो जाते हो साथ साथ, मैं बता देता हूँ, कुछ नहीं है. इट इज ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम. GPS इज अ टाइप ऑफ GNSS. उस ओवरऑल अम्ब्रेला टेक्नोलॉजी को GNSS कहा जाता है, जिसमें से एक पार्ट है GPS और ग्लोनास, है ना, वो जितने भी हैं वो सारे GNSS हैं, ठीक है जी. वैसे ये बेसिक चीजें होती हैं, मतलब जब भी आप स्टैटिक पढ़ो ना तो ये चीजें थोड़ी क्लैरिटी रखोगे तो आपको मजा आएगा, आपके आंसर्स में डेप्थ ऑटोमेटिकली दिखेगी. एक कारण था, बुद्धा साइलेंट था और कम बोलता था, उसके कम बोलने में वजन ज्यादा होता था, राइट? तो डेप्थ से पढ़ोगे आप तो आपके आंसर्स भी प्रिसाइज रहेंगे. जो भी भागना पड़ता है ना कि यार 150 वर्ड्स बोले, 250 लिखने ही पड़ते हैं, है ना, वर्ड लिमिट एक्सीड कर रहे हो अभी आप लोग. नेक्स्ट स्टेप वही, आई थिंक कुछ में उसमें मैंने लिखा भी है जिनके आंसर्स मेरे को लग रहा है कि नाउ दे आर देयर, दे हैव टू वर्क ऑन देयर वर्ड लिमिट. वर्ड लिमिट ऐसे ही आएगी, जितना आइडिया आपको क्लियर होता जाएगा अपने दिमाग के अंदर, जितना जितना आइडिया क्लियर होता जाएगा उतनी उतनी प्रिसाइज भाषा होती रहेगी, ठीक है. लैंग्वेज वही है, वर्ड्स वही है, सेंटेंसेस इज नथिंग बट रीअरेंजमेंट ऑफ ऑलरेडी नोन वर्ड्स. कुछ भी नए वर्ड्स नहीं सीख रहे हो आप, यू आर जस्ट लर्निंग टू रीअरेंज, है ना. ABC तो मैंने नहीं सिखाई, सीख के आए हो. हाँ, हम लोग रीअरेंजमेंट सीख रहे हैं वर्ड्स का. तो जितना जितना आपको टॉपिक क्लियर होता जाएगा, आंसर राइटिंग के अंदर भी बच्चे एक ये कॉमन फीडबैक मेरे को सबका सबको ये रहेगा, इंक्लूडिंग दी ऑनलाइन वंस, कि आप लोग ना टॉपिक्स समझा करो पहले अच्छे से, बिल्कुल अच्छे से, इतने अच्छे से कि आप ना एटलीस्ट 5 लेवल्स पे वो टॉपिक समझा सको. कि एक थर्ड क्लास का बच्चा है, आपने उसको भी समझा दिया, आपने 10th वाले को भी समझा दिया, आपने ग्रेजुएशन वाले को भी समझा दिया, है ना, आपने एक्सपर्ट को भी समझा दिया और लेमैन को भी समझा दिया. इतने लेवल पे क्लैरिटी होनी चाहिए आपको किसी टॉपिक की, ऑटोमेटिकली आपके आंसर अच्छे निकलेंगे, ऑटोमेटिकली आपके आंसर अच्छे निकलेंगे. और कोई कारण ही नहीं है आंसर ना अच्छे आने का, जस्ट जैसी आपकी थॉट की क्लैरिटी होगी, जैसी आप वो वाली स्टेज क्रॉस कर जाओगे वो रिफ्लेक्ट हो जाएगी इसमें, बिकॉज यू कैन नॉट लाई. मैंने बताया था दो लोग झूठ नहीं बोल सकते, है ना, तो यू कैन नॉट लाई इसके अंदर, आंसर्स के अंदर, राइट? तो ऑटोमेटिकली आपके आंसर सुधरते जाएंगे उसमें, ठीक है बच्चे. थॉट की क्लैरिटी, और वो आएगा डेप्थ में पढ़ने से, समझने से. चलें आगे बच्चे. इसके साथ में ना जो मेरे को लगता है इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो हाईलाइट होता है, इज दैट कौन से हैं सिंकिंग आइलैंड्स इंडिया में. सो आई हैव प्रिपेयर्ड अ लिस्ट फॉर यू गाइस, लेट्स राइट डाउन. लगभग 1400 आइलैंड्स हैं इंडिया में, है ना, तो उनमें से कुछ कुछ आपके सिंकिंग आइलैंड्स हैं. नंबर 1 वान आइलैंड, ये ऑलमोस्ट जा चुका है, तमिलनाडु में है, VAAN वान आइलैंड. इंडिया सिंकिंग आइलैंड, ये इसकी हेडिंग रहेगी या जो भी आपने लिखी है, हम उसकी लिस्ट बना रहे हैं. द आइलैंड स्प्लिट इनटू टू, इसी में रीजन लिख लिया इसका. और लिख लो वैसे थूथुकुडी कोस्ट, TH मतलब 6 किलोमीटर्स ऑफ, 6 किलोमीटर्स फ्रॉम THOOTHUKUDI, थूथुकुडी कोस्ट तमिलनाडु.
यहाँ पे कोरल्स एब्सेंट है, इसलिए वेव्स जो हैं ये आइलैंड खत्म करती जा रही हैं। जहाँ पे कोरल्स होते हैं वहाँ पे वेव्स ब्रेक हो जाती हैं आके, और आपकी इरोजन कम होती है, राइट? सो अगर इसका जो कारण है, रीजन लिख लो, लैक ऑफ कोरल्स। नेक्स्ट इज घोरामारा, एक ही वर्ड है, GHORAMARA। लोकेटेड एट द सदर्न मोस्ट पार्ट ऑफ एनीवन, वेस्ट बंगाल। लोकेटेड एट द सदर्न मोस्ट पार्ट ऑफ वेस्ट बंगाल, ये न्यूज में आता रहता है बीच बीच में। इसी में एक और लाइन लिख लो आप, थोड़ा सा याद रहेगा आपको, द टॉल पाम ट्रीज ऑन द एज ऑफ द आइलैंड स्ट्रगल टू होल्ड ऑन द डिप्लीटिंग सॉइल। समझ में आ रहा है कैसे खत्म हो रहा है आइलैंड? हाँ, हो जाएगा बच्चे, वो रिवीजन वाला काम आपका जो चार दिया है आपको, हो जाएगा, कर लेना उसको जरा। और लिखिए, एक असम में है जो इंडिया का पहला आइलैंड डिस्ट्रिक्ट भी है। असम में कौन सा आइलैंड है? वो माजुली आइलैंड आ रहा था दिमाग में, संबोट आ रहा होगा वो, क्योंकि मैं थोड़ा सा उल्टा बोल जाता तो मैं गलत आंसर पे, तो इसलिए तुमने आंसर नहीं दिया है ना इस बार। माजुली आइलैंड इन असम। इसका रीजन है रिवराइन इरोजन। कौन सी रिवर होगी इधर? ब्रह्म रिवराइन इरोजन। एक आइलैंड हमने पिछले साल करंट या इस साल ही शायद करा था, मुनरो थुरुथू, MUNROE, मुनरो थुरुथू, THURUTHU। THURUTHU, ठीक है जी। कहाँ है ये? केरला। किस दिन मैं रो पड़ूंगा यहाँ पे, बता रहा हूँ तुम्हें। मैं चाह रहा हूँ आंसू खुशी के हो कि तुम लोग सिलेक्ट हो गए हो, कि सिंगल डिजिट डबल डिजिट रैंक आया है, पार्टी करने में मजा आएगा, तुम मुझे क्लास में रुला रहे हो, ऐसे मत करो यार। स्टार्ट करते हैं इसको ढंग से प्रिपरेशन, ठीक है? अब टाइम है, इट्स टाइम नाउ। सो जो आपको कहा गया है कि पिछली चार आपने, चार ही हैं, उनको रिवाइज करना है, करो, ठीक है जी। इस तैयारी के ना, मेरे को जो लगता है सबसे सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्या है, दो हैं। पहला कि इसका जेस्टेशन पीरियड बहुत लंबा है, गन्ने की फसल का कम है इससे। तुम आज गन्ना लगाओगे ना, उसका रिजल्ट और उसके पैसे आपको और यूपीएससी से बहुत पहले मिल जाएंगे। जेस्टेशन पीरियड समझते हो? जब तुमने एफर्ट डाला है तो उसका एक्चुअल रिजल्ट कब आ रहा है, उसके बीच के पीरियड को जेस्टेशन पीरियड बोलते हैं, जब वो पक रहा है वो चीज़। तो तुमने आज ये पढ़ लिया, मान लो मैंने घोरा मारा तुमने आज पढ़ा दिया, मैंने आए ना आए, कभी ना आए जिंदगी में, कोई ना पूछे, हो सकता है आज से दो साल बाद के प्री में आ जाए, राइट? तो जो आप मेहनत डाल रहे हो उसका जेस्टेशन पीरियड बहुत ज़्यादा है, तो ये एक ड्रॉबैक है इसका, इस तैयारी का। दूसरा, इसमें चलती ही सेल्फ मोटिवेशन है,
ये तैयारी ही सेल्फ मोटिवेशन और सेल्फ स्टडी की है। रियलाइज करो इस बात को, दो वर्ड्स मैंने बोल दिए, सेल्फ मोटिवेशन और सेल्फ स्टडी, ये तैयारी ही उस चीज की है। कोई कर ही नहीं सकता, मतलब फैक्चुअली भी करेक्ट है वैसे तो। व्हाई वुड एनीबडी एल्स मोटिवेट यू, उसकी मोटिवेशन तो है ही नहीं ना उसमें कुछ। व्हाई वुड समवन मोटिवेट यू, पोस्ट तुम्हारी, पैसे तुम्हारे, इज्जत तुम्हारी, रिश्वत तुम्हारी, है ना एथिक्स वालों सब कुछ तुम्हारा, तो सामने वाला बंदा नहीं कर पाए, कर ही नहीं पाएगा, इट्स नॉट पॉसिबल फॉर एनीवन। फाइनली दिस इज हैपनिंग, ये आइडिया बहुत टाइम से फ्लोट हो रहा था। मरीन क्लाउड ब्राइटनिंग, क्या है? इट्स अ अप्रोच ऑफ यूजिंग वाटर कैनन्स टू स्प्रे सी वाटर इन टू द स्काई विच रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ ब्राइटर वाइटर क्लाउड्स। क्या होगा इससे? ब्राइटर क्लाउड्स क्या करेंगे? रिफ्लेक्ट करेंगे। और आसान भाषा में समझाऊंगे इसको, ये तो आसान होगा। कभी नोटिस किया होगा गर्मी होती है ऊपर से बादल निकलता, ठीक लगता थोड़ा सा। हाँ, वो क्यों लग रहा होता है? क्योंकि लाइट ऊपर रिफ्लेक्ट हो जाती है उसकी। क्या बोलते हैं इसको? देयर इज अ टर्म फॉर दिस। एल्बिडो का नाम सुना है? हाँ बच्चे, वही है, उसको एनहेंस करने की बात कर रहे हैं। बाय द वे ये आइडिया बहुत मतलब काफी पुराना है, ये इसमें 2016 लिखा है, बट आई हैव हर्ड इट इन माय इंजीनियरिंग टाइम्स आल्सो, राइट। तो ये आइडिया पूरे अर्थ के ऊपर करने की बात हो रही है कि इमिजिएटली आपका जो ग्लोबल टेम्परेचर है वो लगभग 4 डिग्री से कम हो जाएगा अगर आपने क्लाउड कवर कर दिया तो, राइट। तो इनकमिंग जो हीट है, ग्लोबल वार्मिंग इज नथिंग बट एंट्रैपमेंट ऑफ इनकमिंग हीट। अर्थ की अपनी तो हीट नहीं है, वो सन की है जो हीट ट्रैप हो रही है यहाँ पे। तो ये बोल रहा है कि आप अगर आप क्लाउड कवर कर दोगे तो रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी, राइट, एंड योर टेम्परेचर विल बी कूल्ड, ठंडा हो जाएगा थोड़ा सा। तो उसकी टेक्नोलॉजी के ऊपर काम है ये। तो इस कॉन्सेप्ट को बोला गया है आपका मरीन क्लाउड ब्राइटनिंग, ठीक है जी। एक साइड पे आप टर्म लिख सकते हो उसको, इट इज कॉल्ड सोलर जियो इंजीनियरिंग, सोलर जियो इंजीनियरिंग टेक्निक्स, ये वो है ये। तो आंसर्स के अंदर आप यूज कर सकते हो इसे बच्चे, ये ऑनलाइन वाले बच्चे जितने भी हो आपका, मैं जो है आंसर्स में आज या कल शाम तक आपको मैं प्रोवाइड कर दूंगा उसके ऊपर फीडबैक, राइट। सो दैट इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। आई होप कि आज जो हमने पढ़ा है इसमें से आपके प्रीलिम्स और मेंस में कुछ रेलिवेंस के साथ सवाल आ जाएं। अगर सवाल आ गया इसमें से, यू विल डेफिनेटली बी हैविंग एन एज ओवर अ मेजर पॉपुलेशन ऑफ इंडिया हु इज प्रिपेयरिंग फॉर द सेम एग्जामिनेशन राइट नाउ। लेट मी टेल यू अबाउट द करंट अफेयर्स मास्टर कोर्स 2024। इस कोर्स के अंदर आपको बेसिकली 3 चीज़ें मिलती हैं जिसके थ्रू आपका जो करंट अफेयर्स है वो पूरी तरह सॉर्टेड हो जाएगा फॉर योर प्री मेंस एज वेल एज योर इंटरव्यू। नंबर 1, यू गेट वीकली लेक्चर्स जो कि ऑफलाइन या फिर ऑनलाइन फॉर्मेट में लाइव आपको मिलेगा। क्या फ़र्क है इसमें और अभी करंट वीडियो के अंदर? दैट इज़ कि इसके अंदर आपके पास में इंटरैक्शन, काउंटर क्वेश्चनिंग करने की सहूलत होगी। नाउ एवरीबडी नोज कि अगर आप काउंटर क्वेश्चनिंग और सवाल जवाब करते हैं तो आपकी मेंटल एबिलिटी इंक्रीज होती है, आपके न्यूरल नेटवर्क्स बढ़ते हैं। दैट इज़ हाउ वी शुड प्रिपेयर फॉर एनीथिंग। नेक्स्ट, यू गेट वीकली PDFs। जो टॉपिक्स यहाँ पे कवर नहीं होते हैं लेक्चर्स के अंदर उसको वीकली PDF के फॉर्मेट के अंदर आपके डैशबोर्ड के अंदर प्रोवाइड किया जाता है, राइट, ताकि आपका कुछ भी पार्ट जो है वो मिस ना हो, इसके बाहर आपको जाने की ज़रूरत ही नहीं है। लास्ट, यू गेट वीकली टेस्ट। जो भी हमने पढ़ा है उसको हम कंसोलिडेट करेंगे वीकली एक टेस्ट दे के, राइट। दिस इज द त्रिशूल मॉडल। अगर आप त्रिशूल गाड़ दोगे तो उसके बाद में आपको करंट अफेयर से परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। दिस इज़ द कंप्लीट कोर्स। इस कोर्स के बाहर आपको कुछ भी और पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। लिंक इज़ इन द डिस्क्रिप्शन, गो चेक इट आउट एंड सब्सक्राइब टू द चैनल ताकि आपके पास ये जो लेक्चर्स हैं ये आपको रेगुलरली आपको मिलते रहे, कुछ भी चीज़ आपकी मिस ना हो।
अगर आपने सोच लिया है, इफ वी हैव ड्रीम्ड इट वी कैन डू इट। जिद से जीत तक।